हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हैप्पी एंड सेफ गाइस तो यहाँ पर कढ़ाई में डाल के मैंने पकोड़े रेडी कर लिए थे प्याज वाले वो भी कड़ी के लिए तो यहाँ पे मैंने लिया है छाछ और छाछ में मैंने डाला डेढ़ कप डेढ़ कटोरी बेसन और इसमें धनिया नमक हल्दी मिर्च तो ये मैंने मिक्स कर दिए अच्छे से इसको और यहाँ रखी थी कढ़ाई गैस पर और गैस पर कढ़ाई रखने में मैंने डाला हींग पहले थोड़ा सा फिर डालेंगे हम इसके अंदर मेथी दाना तो मेथी दाना डालना मस्त होता है कड़ी में एंड इसके बाद मैंने साबुत मिर्चें डाल दी हैं और इसमें चॉप करा हुआ मैंने प्याज डाल दिया इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल के मैं इसमें चौंका लगाते हुए अब जो मैंने अपना मिश्रण बनाया था छाछ वाला बेसन वगैरह सब मिक्स करके तो मैं अब इसको ऐसे डाल दूँगी कढ़ाई में हमारी कढ़ी रेडी होने लगेगी और अच्छे से हम इसको चला लेंगे गाइज़ तो अब सीज़न की पहली कड़ी है ये धीरे धीरे हमारी ठंड जा रही है तो अब ऐसा ही खाना बनना रेडी होगा तो यहाँ पर मैंने कड़ी चढ़ा दी थी और यहाँ रखे थे पकौड़े गाइज़ तो यहाँ पर साहिबा ने मस्ती करिए इस तरीके से कड़ी को वो किया और यहाँ पे मेरी कड़ी ऐसे मैं चलाती रहूँगी ताकि इसमें लंग्स ना आए और इधर हमारी कड़ी रेडी होगी गाइस एंड कड़ी रेडी हो चुकी है तो मैंने यहाँ पे इसमें प्याज वाले पकौड़े डाल दिए थे कड़ी के अंदर सारी जो बनाई थे तो ये थी दिन की शुरुआत और लंच हमारा तो यहाँ पे मैंने करछी में लिया देसी घी और देसी घी में अच्छा हम डालेंगे लाल मिर्च तो कड़ी के ऊपर ये हल्का सा छौका लगा देंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा कड़ी के अंदर देसी घी का और ये कड़ी के अंदर एक अच्छा सा टेक्सचर आ जाएगा और यहाँ पर चावल बन चुके थे जीरे वाले और यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं फुलके रेडी कर लूँगी गाइस सो तो यहाँ पे मैंने रखा था चकला और चकले पे हमने बेली रोटियाँ और गर्मा गर्म रोटी मैं उतारती जाऊंगी गाइस इस तरीके से फूली फूली रोटियां और यहाँ ये लंच की शुरुआत होगी आज हमारी कड़ी चावल एंड चपाती तो ये रहा था मिला जुला दिन, दिन रहेगा हमारा आज कुछ इस तरह तो एक एक करके मैं रोटियां बनाती जाऊंगी गाइस और उतारती जाऊंगी सो यहाँ हमारी रोटी फूल चुकी है एंड अच्छे से यहाँ से भी मैंने इसको अच्छे से सेक लिया और यहाँ पर थाली लगा दी थी मम्मी को तो सिर्फ़ रोटी और कड़ी देनी थी एंड यहाँ पर जिसने कड़ी चावल खाने हैं वो कड़ी चावल खाए सो ये था हमारा आज का लंच का और इधर आ गई थी साइबा अपना लंच लेकर तो वो भी खाना खा रही है और मैं भी अपना लंच कर रही हूँ अब तो ये था हमारा कड़ी चावल एंड राइस वाला डे सो वेडनेसडे काफ़ी अच्छा रहा गरम गरम कड़ी है गाइस तो बहुत टेस्टी बनी है कड़ी हमारी सो so, मैं अपना लंच करते हुए आराम से बैठ के अपना खाना खाऊंगी एंड आप सब भी खाएं आए हमारे घर कड़ी चावल खाने सो so, इस तरीके से रहा रहा हमारा दिन वेडनेसडे की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई और फिर उसके बाद सोचा अचार डाल लिया जाए तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाला तेल सरसों का तो इस तेल को अच्छे से हम ना जला लेंगे जैसे काटते हैं ना वो उसकी एक जो महक होती है ना गाइस मैंने तेल गरम होने रख दिया था और इधर ये लाल मिर्च है जिसका मैं अचार डालूँगी तो यहाँ पर लाल मिर्च मैंने कट कर दी थी और कट करने के बाद इसको उसे बीच में से चीरा करके ना इसके अंदर का हम जो बीज वगैरह है वो निकाल के रख लेंगे एक प्लेट में तो इस तरीके से ही मैं अपनी सारी लाल मिर्चें रेडी कर लूँगी गाइज़ और बीज का पार्ट मैं निकाल दूँगी अभी मैं और ये हमारी ढाई सौ ग्राम करीब लाल मिर्च है जो मैंने रेडी की थी और ये बीज है इसके सो हम इसका मैंने डालना है अचार तो यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है हमारा अच्छे से तो थोड़ा मैं इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी गाइज़ और कढ़ाई पर रखूँगी पैन और उसमें डाला है मैंने सौफ़ दो चम्मच मैं इसमें सॉफ लूँगी गाइस यहाँ मैंने तीन चम्मच सॉफ कर दी है ये मुझे क्वांटिटी कम रही थी और इसमें हम डालेंगे जीरा काली मिर्च काली मिर्च ऐड कर दी है सॉफ्ट जीरा और अब हम ये मिलाएंगे इसमें थोड़ा सा जीरा और लेंगे हम ये अजवाइन डाल दी है मैंने इसके अंदर यहाँ मैंने ले लिया हींग काला नमक और ये थोड़ा सा चीरा और ले लिया है मैंने इसमें मैंने थोड़ी लौंग मिला लिया और इसको थोड़ा सा ना हम इसे भूनेंगे गाइस ताकि ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाए हल्के वैसे होने के बाद यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका था यहाँ हमारे मसाले अच्छे से भून चुके थे तो मैंने इसको निकाल लिया था मिक्सी जार में और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे दरदरा सा तो ये ग्राइंड हो चुका था मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है और और अब हम इसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा सा सॉल्ट मिलाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड थोड़ी थोड़ा सा और नमक लिया है मैंने इसके अंदर यहाँ थोड़ी लाल मिर्च पाउडर लिया है और यहाँ मैं थोड़ा सा हींग और डालूंगी गाइस और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी इस पाउडर को थोड़ा सा सॉल्ट और डालकर यहाँ मैंने ब्लैक वाला सॉल्ट लिया है थोड़ा थोड़ी सी हल्दी सो so, अच्छे से इसको मैं हल्दी मिला के मिक्स करूँगी ऐसे और इसके अंदर हम एक चीज़ और मिलाएंगे अभी सो so, इसके अंदर हम अच्छे से मिलाएंगे नींबू का ये रस है दो नींबूओं का तो यहाँ नींबू का रस मिला लेंगे और हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे इसको टेक्सचर को और जो ये ग्राइंड करिए था बीज का इसका पार्ट उसे मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी अलग से तो ये इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से तो हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा ये जो मैंने गरम ऑयल किया था तो उस ऑयल से मैंने इसको अच्छा से मिक्स कर लूँगी इस मसाले को इस तरीके से ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा अचार बनाने के लिए थोड़ा और ऑयल लूंगी मैं मस्टर्ड सो हमारा ये अच्छे से हो चुका है मसाला रेडी यहाँ हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है सो अब हम इसके अंदर अपनी लाल मिर्च भरेंगे तो यहां मैंने लिया लाल मिर्च का पार्ट तो एक, एक करके मैं सारी लाल मिर्च इसके अंदर भर लूंगी गाइस यहाँ पे इस तरीके से हमारी सारी लाल मिर्च रेडी हो जाएंगी यहाँ पर मैंने तेल एक बाउल में निकाल लिया था जो मैंने तेल पकाया था तो यहाँ पे मैंने मिर्चों को डिप करा है और डिप करके इनको मैं अपने जार के अंदर डालती जाऊँगी गाइज मैं अपनी इसे मैंने अच्छे से ना ऑयल डाल दिया है साफ सा मेरा ये अच्छे से हमने इसको सुखा लिया था अपने इस कांच के जार को और हम इसमें ऑयल डाल के सी ग्रीजिंग कर लेंगे और इसके बाद में मैं बाय डिप कर करके ना इसमें ऑयल में तो ये मिर्च मैं इसके अंदर लगा लूँगी गाइज़ सारी इस तरीके से